लूज हो गई, फिर ठीक है अब इसका हम कोई सलूशन निकालते हैं। जैसे ये साइड चली हुई है ना, ये वाली साइड चला देते हैं। जेन्युइन रबड़ों का यही फायदा है, विकलस होंडा 0.8 mm में कैबर क्लियरनेस बताती है, सब साइड ग्रीसिंग कर देंगे, स्प्रिंग है ना जो ये। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको बताएंगे होंडा की ट्यूनिंग, बारिश के बाद क्या क्या बाइक में फॉल्ट आते हैं उसके रिलेटेड हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने बाइक को वॉश करवा के लानी है, उसके बाद हम क्या रिपेयरिंग करते हैं बाइक की, ठीक है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आपने काम करवाना है होंडा बाइक का, होंडा की ऑफिशियल वर्कशॉप से काम करवाना, और इसके बाद बाइक को क्या क्या फॉल्ट आते हैं, क्या क्या काम उसका बनता है, ये आज आपको डिटेल से बताएंगे। पहले तो आपने बारिश के बाद बाइक को लाजमी वॉश करवा के आना है, जब भी काम करवाना है। ऐसा कि जाहिद भाई ने पहले वॉश करवा के आने, ये बहुत ही अच्छा हो गया। आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन जी, होंडा सेंटर अब्दुल्लापुर में मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, सीनियर मैकेनिक है आप। एयर फिल्टर को चेक किया जा रहा है पहले, फिल्टर अभी जाहिर तो ये आपकी बाइक का ठीक है, ठीक है इसे हम अब आपसे साफ कर देंगे प्रेशर के साथ में। ये वैसे भी अपनी न्यू लगाया था, ठीक है इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया, कस्टमर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड यार, आगे आपका कस्टमर डीमोटिवेट ना हो। वेरी गुड यार, वेरी एक्सलेंट, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं आप। ये है कार्बोरेटर, ये जो नए मॉडल के कार्बोरेटर हैं इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अगर कोई मसला करे या ओवर करे फिर हम इसे खोल के चेक कर सकते हैं इसका लेवल, इसके फ्लूइड वगैरह। और देख लें जी, कोई बोतल नहीं लगी, डायरेक्ट पाइप के साथ जितना पेट्रोल हमारे यूज में है हमने करना है, उसके बाद जेन्युइन पेट्रोल पाइप करना है। बहुत सारे मैकेनिक ऐसे हैं जो कि पहले बोतल में निकाल लेते हैं पेट्रोल, तो बाद में पेट्रोल बचेगा वो फिर आपके खाते में नहीं आएगा। अच्छा, ये आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, काम ईमानदारी के साथ ही होना चाहिए। ये पेट्रोल थोड़ा सा लगा है, बाकी क्लीन है। ये देखिए क्या फीलिंग है, ये देखें जी, ये बारिश की वजह से ये जो पानी चला जाता है चैन के अंदर, यहाँ से अक्सर आवाज़ आने लग जाती है, इस वजह से हमने ग्रीस लगा दी है। ये सील पैक हो गया है, अब इसका कोई भी इशू नहीं होगा, ना ग्लासर ख़राब होगा जल्दी, ना आवाज़ आएगी चैन में। ये है जी 70 कैबर क्लियरनेस, ये आपने इस हिसाब से टाइट करने हैं कि ना गाड़ी के साउंड को फ़र्क पड़े और ना ही बाइक के पिकअप में फ़र्क आ रहा है। जैसे कि कंपनी 0.8 mm में कैबर क्लियरनेस बताती है, सब मैकेनिक से के लिए एक मशवरा भी है और हिदायत भी है कि आप भी कंपनी के बताए गए रूल के मुताबिक कैबर करें, क्योंकि अगर आपने बाइक का सारा काम अच्छा कर दिया है, कैबर में कोई भी इशू आ गया तो उसकी वजह से आप बाइक में पिकअप नहीं आ सकते, बाइक का काम ठीक नहीं हो। ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो अब हम इसका चेक करने लगे हैं प्लग, ठीक है प्लग चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ये देखें इसकी अभी गेज में फर्क है, इसकी वजह से बाइक इशू कर सकती है। अब हम इसे सफाई करेंगे, ये आप प्लग लगाने की ज़रूरत तो नहीं है हमें, अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम इसका कचरा निकाल लेंगे। ये कचरा निकला, ठीक है अब हम इसे साफ करके लगा देंगे, ठीक है। ये आपके पास मशीन लगी हुई है साफ करने की,
आप लोग इसी तरह पूरी मेंटेनेंस मशीन से करते हैं? ओके अब क्या करेंगे? अब हम इसके करेंगे बर्फ की सफाई। अच्छा बर्फ क्योंकि पानी में बाइक चली रही है, इसमें अक्सर पानी चला जाए, गाड़ी बहुत ज़्यादा इश्यू करती है, उसकी वजह से कीका हार्ड हो जाती है इसमें। ठीक है, इसको अब हम अच्छी तरह पेट्रोल से वाश करेंगे, उसके बाद ग्रीसर आगे और क्लच भी ठीक हो जाएगा, बाइक कंपनी में करेंगे। जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गरम हमने क्लीन कर लिया, अब इसको ग्रीस करेंगे। ये देखें बिल्कुल हल्की सी ग्रीस आपने लगानी है, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप ऑयल लगा लेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा काम, क्योंकि अक्सर ग्रीस हार्ड होती है। ओके उसकी वजह से क्लच हार्ड हो जाता है, कस्टमर कहता है कि ग्रीस करवाई है फिर भी लेकिन क्लच ना हार्ड है। अगर आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे तो आप खुद ही फर्क देखेंगे क्लच में। ये देखें लाजमी है ये भी ट्यूनिंग में, अक्सर मैकेनिक ये नहीं करते। अच्छा ब्रेक सर्विस करनी चाहिए ट्यूनिंग हर 3 महीने बाद? जी क्योंकि बाइक चेक हो जाती है, ड्रम डबल वगैरह चेक हो जाते हैं, बैरिंग चेक हो जाते हैं, लेदर चेक हो जाते हैं। अच्छा बैरिंग यार लाजमी चेक करना यार, वो हार्ड तो नहीं हुए हुए? ठीक है मैं ग्रीसिंग कर दूंगा उन्हें भी, अगर ठीक हुए तो नहीं तो चेंज हो जाए, वो देखते हैं। सर भूल गया आप क्या पोजीशन है? ये देखें ये आपकी रब पे ना एक साइड से जो है वो लूज हो गई, फिर अब ठीक है, अब इसका हम कोई सलूशन निकालते हैं। हाँ। ये साइड चली हुई है ना। हाँ। ये वाली साइड चला देते हैं। जेन्युइन रबों का यही फायदा है, इटलेस होंडा के आप पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा देर तक आपकी बाइक को चेंज करने की जरूरत। यार क्या बात है, आपने टर्न कर दिया उसको? जी उसको टर्न कर दिया है, अब ये टाइट हो गई है। ये देखिए अब प्ले नहीं है। हाँ वेरी गुड कर दिया, पहली दफा देखा मैंने। जी ताकि कस्टमर का भी नुकसान ना हो, जितनी देर तक उसकी कोई चीज़ चल सकती है आप उसे चलाएं। अच्छा आप लोग ओवर चार्ज नहीं करते, लूटते नहीं कस्टमर? नहीं करते जी, होंडा सेंटर पे ये काम बिल्कुल नहीं होता। ये देखिएगा जी लैदरों के ऊपर ये जो कार्बन है ना, इसकी वजह से ब्रेक भी कम लगती है और ब्रेक लगाने से आवाज़ भी आती है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, थोड़ा सा रेक मार करेंगे, इसकी सफाई कर देंगे। अच्छा इसके ऊपर से कार्बन खत्म कर देंगे। लेदर ठीक है, जेन्युइन है? जी जेन्युइन है लेदर। साफ हो गए कार्बन सारा निकल गया, कार्बन साफ हो गए, इससे ब्रेक आपकी स्मूथली हो जाएगी, आवाज़ भी नहीं आएगी। इनसाइड ग्रीसिंग कर देंगे, स्प्रिंग है ना जो ये। ओके ठीक है, एक्सल को भी ग्रीस कर देते हैं ताकि बाइक जंग से बची जाए। अब इसका ब्रेक का काम मुकम्मल हो गया, अब फिटिंग करनी है? सिर्फ फिटिंग कर रही है। लैच की केबल में ऑयलिंग करने लगे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बारिश में चली हुई है भाई, पानी इसमें बहुत ज्यादा हो, क्लच खुश्क तो हुआ हुआ है। जी इसकी ऑयल होने लगी अब। अच्छा इसकी भी ऑयलिंग होने वाली है, बेस वाली एक्सीलेटर की? एक्सीलेटर सॉफ्ट हो जाएगी, पहले हमने सर इसकी सफाई कर लेनी है ताकि पहले जो गंदा मोबलैल है या पानी वगैरह है वो साफ कर लें। ओके ठीक है, और
ये भी डन हो गया। ओके, ये रेस ग्रिप हमारी ओके हो गई है, ये फाइनली अपनी मूवमेंट में पहुंच गई है। इसकी आपने सबसे पहले प्ले का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, ये कंपनी के रूल के मुताबिक 20 mm इसमें प्ले बताई गई है। हाँ, उतनी प्ले हमने रखनी है, ठीक है, कर दी है, उससे ये सॉफ्ट चलेगी। ओके ओके, अब हम इसका हैंडल चेक करते हैं, अगर इसमें प्ले है तो टाइट कर देंगे, लेकिन ये ज़्यादा टाइट है, पानी में चला हुआ है ना, इस वजह से पानी चला गया, सॉफ्ट ही होना चाहिए ताकि आपके बाजू ना थक सकें। अच्छा, यहाँ ये सॉफ्ट है, हाँ उसका अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। हाँ जी, सर्विस मुकम्मल हो गई है जी।